सशक्त होगा आपका जो आपका क्या है 4% रिजर्वेशन है और प्राइवेट में 5%, लेकिन नहीं दे रहा क्योंकि धीरे धीरे गोलमटोल कर दे रहा है, रोस्टर को नहीं पता होने दे रहा है। तो एक बार जब आप जानकारी हो जाएगा आप खाली, आप मेरे नाम से सब काम जाए काम हो जाता है। कितना लोग मेरे नाम से काम करवाया करवाए आप करवाए हैं, सभी लोग मेरे खाली नाम से अभी भी जाते हैं तो काम हो जाता है। कितना लोग पहली बार आपको देख रहे हैं, पहली बार नाम सुने थे? हाँ सर, नाम भी नहीं सुने, ऑनलाइन देखे थे सर, ऑनलाइन सुने थे, ऑनलाइन सुने थे। कोई बात नहीं है, तो बस हमारा यही है, फिर हम चाहेंगे कि धीरज जी आप एक रूपरेखा बता दीजिए, मांग पत्र का मुख्य पॉइंट बता दीजिए, और उसके बाद सरपंच बना, कितना जिला परिषद का बना दोनों, चलिए रहा तो कहे हुआ पहले कहे नहीं होता था, क्योंकि आप क्या किए संगठित हो गए, पहले संगठित नहीं थे। जैसे आप संगठित हुए, कल हरिमोहन एक हमारा मुंगेर का कल उसका रिजल्ट आने वाला है, आज फोन किया था, तो आप जैसे संगठित होइएगा तो क्या होगा, ये परिवर्तन है आपका जीवन उन्नत होगा। आप जो आज इतने उम्र में, हमारी माता जी के समान है, इतना उम्र हो गया, माता जी उम्र क्या है आपका, चश्मा पहनी है 45। आप सोचिए कि इतना उम्र हो गया, कभी इस तरह का लोग बुलाता था संगठित, वार्ड वार्ड आपका ग्रुप बन गया, जब से जुड़े जानकारी मिल रहा है ना ज्यादा, पहले इतना जानकारी था तो आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी में कोई एक दो निकलता है जो घर बैठे आपको इधर उधर करते रहेगा, गलत देते रहेगा बैठे बैठे, उससे प्रभावित नहीं होना है। और आपको अपने देखेगी मात्र 7 महीने, हम मेरा अप्रैल में सब समाप्त हुआ था, हम वही बता रहे थे अपने अध्यक्ष महोदय को, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 7 महीना हुआ है, 7 महीना में इतना बड़ा संगठन तैयार हो गया। 7 महीने पहले तो हम सपने थे, अजय के पद पर थे, जैसे वो हटे थे हम कहे एक छाने थे कि हर आपको सशक्त कर देना है, हो गया ना कि नहीं हुआ, इतने कम समय में होगा। इसी तरह आप 2 साल 4 साल 5 साल अगर हो जाइएगा तो आपकी सरकार इतना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं कि आपका विधायक होगा, आपका मंत्री होगा, सारा लोग धीरे धीरे होंगे, लेकिन इकट्ठा नहीं करता, इकट्ठा नहीं रहिएगा तो फिर क्या है, मेरा प्रयास है फिर हम भी छोड़ देंगे, फिर आप जैसे थे वैसे ही, इससे पहले कितने कमिश्नर को जानते थे, 20 साल से कमिश्नर है, जानते थे आप लोग कमिश्नर होता है नहीं, हम जाने। इसी तरह फिर अभी नया कमिश्नर है, हमारे बाद भी तो कमिश्नर बना है ना, जानते हो एक लेटर निकला है आज तक, एक कोर्ट लगा है, एक भी कुछ मोबाइल कोर्ट लगा कुछ भी हुआ है, वो अपने ऑफिस में नहीं बैठते, उनके दूसरा इंचार्ज है, आज तक वो अपने ऑफिस में भी नहीं बैठे, कोई आप फोन कीजिए वहां जाइए देखिए मरघट जैसा लगेगा, जाइएगा तो कोई ये आप धीरे धीरे क्या होगा, हर साल 3 दिसंबर को हम रहते थे तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस बहुत धूमधाम से मनता था, सबको सम्मानित किया जाता था, अब क्या इस साल क्या हो गया, क्यों नहीं मनाया जा रहा, पिछले साल कोरोना था तभी मनवाए थे, पिछले 2 साल कोरोना, हाँ देखिए ये अभी कैसे बैठे हैं वहाँ पर, नीचे बैठे हैं हाँ, तो वही नहीं, नीचे बैठने के लिए हम लोग बनाए हैं और किनारे किनारे 1000 कुर्सी लगेगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम कुर्सी को बढ़ा सकते हैं, बाकी नीचे दरी होगा तो कम्फर्ट बैठ सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ईश्वर का देखिए कि इस तरह वो ठंडा पड़ जाता था, अभी हम दिल्ली गए, दिल्ली में काफ़ी ठंडा था, घूमने जाते थे पूरा हाथ एकदम एकदम खुजुड़ जाता था, पॉकेट में लगता था 10 पाना पहन देते, लेकिन अभी देखिए ईश्वर अभी तक आपके प्रोग्राम के लिए, तो पहले गांधी मैदान को खो दिया, किसी को अभी मजाल नहीं, कोई पार्टी है कोई राजनीतिक दल है, किसी को गांधी मैदान मुक्त करके दिखा, पहला तक काम है गांधी, कौन गेट बंद रहेगा, किस गेट से एंट्री करना है, किस गेट से जाना है, पानी किधर है, चाय मान लीजिए टॉयलेट किधर है, ये सब की जानकारी जो है वो आप वहाँ जाने रहिएगा तो आसानी होगा।
एकाएक उसको तबीयत खराब हो गया तो क्या करना होगा, किसी को आ रहे हैं कुछ किधर से गेट से, इतना बड़ा गांधी मैदान है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा मालूम है, पैदल चलने में 2 घंटा लगेगा, सही बताए कितना लगेगा, एक चक्कर लगाने में। अब बताइए अध्यक्ष माननीय हृदय सॉरी प्रवीण कुमार मिश्रा जी हैं और उपाध्यक्ष श्री हृदय यादव जी और सचिव श्री सुनन नारायण जी और पटना जिला के अध्यक्ष संजीव कुमार जी और मीडिया प्रभारी धीरज जी तथा तमाम वॉलंटियर्स लोग हैं सुरेंद्र है सभी लोगों को और तमाम आप लोग जितने लोग आए हैं सभी का स्वागत है। आज मुझे भी बुलाया गया है, मैं भी इसमें आया हूँ और आज इसलिए मैं बात करता हूँ हमारे इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं वो पहले बताना चाहूँगा। देखिए हम लोग चाह रहे हैं कि पटना के लोग हैं आप लोग को ज़्यादा जानकारी है और जो लोग सक्षम है चल फिर सकते हैं, जो नहीं है तो जिनको पटना की ज़्यादा जानकारी है, जो मान लीजिए कि हम 38 जिला से लोग आ रहे हैं, हर जिला में एक वॉलेंटियर्स को हम लोग तैयार करना चाहते हैं जिनका व्हाट्सएप हो जिनका मोबाइल हो। तो मान लीजिए कि कोई मधुबनी से आ रहा है, अभी जैसे आप लोग आने में कितना दिक्कत हुआ हुआ, प्रोग्राम कितने बजे चलो, समस्याओं से अवगत कराने के लिए, अपनी समस्याओं से निदान पाने के लिए, सारी जो हमारे योजनाएं बने हैं उसको लाभ लेने के लिए हम लोग 3 दिसंबर को गांधी मैदान में उपस्थित होंगे और उसी की कार्य योजना कैसे चलेगी कैसे बनेगा उस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएंगे। आज वॉलंटियर मीटिंग आप लोग का योगदान इसमें सराहनीय है पूजनीय है, आप लोग आज इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग उस 3 दिसंबर को कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएंगे उसमें विचार प्रकट किया जाएगा। धन्यवाद और आगे ज्यादा समस्या होता है कि हमारे प्रखंड लेवल पे जिला लेवल पे जो भी पदाधिकारी हैं हमको उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उतना ताव से नहीं सुनते, हमको नज़रअंदाज करते हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर हम अपनी सब मिलकर एक आवाज के लिए हम लोग इस 3 दिसंबर को गांधी मैदान में आ रहे हैं और उसी 3 दिसंबर को अपनी सारी समस्याओं हमारे पूर्व राज्य आयुक्त सर के माध्यम से हमारे अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोग अध्यक्ष संजीव जी और बिहार एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी के उप सचिव उपाध्यक्ष हृदय नारायण यादव जी और विशेषकर मैं उस शख्सियत का नाम लूंगा जो बिहार एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी को इस मकाम तक पहुंचाए, इसका संरक्षण संवर्धन निरीक्षण आर्थिक सहयोग हर चीज इनकी जीवन समर्पित ये बिहार एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी को इस मुकाम पर लाने का जो अहम योगदान दिया है वो हमारे पूर्व राज्य आयुक्त डॉक्टर सुभाष जी को मान करते अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 3 दिसंबर 2021 को दिव्यांग है कि बिहार के जो 38 जिले हैं प्रत्येक जिले के लिए एक व्यक्ति को पदभार दिया जाएगा जिनका कार्य होगा कि वे गांधी मैदान में आने वाले उस जिले के तमाम दिव्यांगजनों को कार्यक्रम समाप्त होने तक उनको मदद करेंगे, फोन कॉल्स के माध्यम से जो जानकारी चाहेंगे और जो पूछना चाहेंगे उसको आप मार्गदर्शन करेंगे और उसकी लगातार जानकारी आपको मिलती रहेगी। पहले ही से आपको जानकारी रहेगी क्योंकि आप लीडर बनेंगे, आप प्रतिनिधित्वकर्ता बनेंगे तो आपको सारी जानकारी आपको ट्रेनिंग के माध्यम से मिलेगी। और आगामी 28 नवंबर रविवार को हम लोग का फिर से एक वर्चुअल कार्यक्रम है, एक बैठक है जिसमें हम लोग और गाइडलाइंस देने वाले हैं। ये बार बार लगातार कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि ये राज्य स्तर का कार्यक्रम है, बिहार का एक ऐसा पैलेस जिसे वर्ल्ड के लोग जानते हैं गांधी मैदान के नाम से। यदि आप यहाँ पे खड़ा हो जाते हैं और यहाँ से आपका स्पीच होता है, यहाँ से आपका कार्यक्रम होता है तो ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाएगा कि इसको हम लोग को समझना है। आइए कार्यक्रम में जो हम लोगों ने मांग रखी है सरकार से, सर ने आपको बताया कि 44 मांगे हम लोगों ने
हम सभी दिव्यांगजन अपने हक के लिए, यह मेरी भी लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई है। यदि इस सम्मेलन के माध्यम से बिहार में दिव्यांगजनों के लिए कुछ होता है तो ये केवल मेरे लिए नहीं होगा, ये केवल आपके लिए नहीं होगा, ये पूरे बिहार के 1 करोड़ दिव्यांगजनों के लिए होगा। उसमें कुछ जो चुनिंदा मांगे हैं जो सिर्फ मैंने रखा है, उसमें सर्वप्रथम है कि सर्वप्रथम बिहार के अन्य राज्यों में जो दिव्यांगजनों का पेंशन मिल रहा है जो कि सम्मानजनक है, कहीं पे अभी आपको मालूम है कि हरियाणा में 3,000 का पेंशन मिल रहा है, विभिन्न राज्यों में 2,000, कहीं 2,500, कहीं पे 1,000, तो सरकार हमारी भी पेंशन 3,000 करे। और हमने ये मांग कोई अलग तरीके से नहीं मांगा है, क्योंकि ये हमारे लिए जो संविधान बना दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 उसी के अंतर्गत हम लोग इस हक को मांग रहे हैं। दूसरा हमारा है अंत्योदय योजना। आज से 2 साल पहले इसके बारे में माननीय रामविलास पासवान जी ने कहा, लेकिन आज 2 साल हो गए, लेकिन सबका कंफ्यूजन दूर कर दें, आप लोग रामविलास पासवान जी का दे नहीं है, ये बिहार नेत्रहीन ब्लाइंड एसोसिएशन जो है फेडरेशन है, उसने हाईकोर्ट में केस किया था, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जब जजमेंट आया तो रामविलास पासवान ने घोषणा की, तो आप लोग बार बार रामविलास पासवान मंत्री थे नहीं देते उनकी, हम क्रेडिट उनको क्यों दे, वो पहले क्यों नहीं घोषणा की। अच्छा, ये तो हमको थोड़ा ये बार बार आप लोग बोले थे, आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने ये हमारे एसोसिएशन के एक ब्लाइंड ऑल इंडिया लेवल पर जो काम कर, उसने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में रुंगटा साहब, और कोई ब्लाइंड है जानते होंगे है ना, ब्लाइंड उनके केस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, इसलिए हम उनको हमने इससे देना चाहते हैं जी क्षमा चाहेंगे। तो अभी सर ने हम लोग के बीच जो एक गलतफहमी थी कि हम लोग आज तक मान रहे थे उनको मोटराइज साइकिल दिया जाए, जो बैटरी चालित साइकिल है वो दिया जाए। साथ ही हमने मांग रखा है कि वैसे दिव्यांगजन जिनकी ट्राई साइकिल बैसाखी या कोई और कृत्रिम उपकरण जो यूज करते हैं, यदि वो उनका खराब हो जाता है तो 1 सप्ताह के अंदर उनको प्रखंड स्तर पे दिया जाए, उनको जिला जाने की जरूरत ना हो। साथ ही हम लोगों ने रखा है कि बिहार सरकार की जो बहुत अच्छी योजना है दिव्यांग के लिए, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, इसमें सरकार कहती है कि दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको निबंधन प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जिसको बनवाने में या निबंधन करवाने में 5,000 से 6,000 रुपया खर्च है। तो हम लोगों ने एसोसिएशन की ओर से मांग रखा है कि सरकार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में जो कोर्ट के निबंधन की जो है बाध्यता उसको खत्म करे, और वार्ड पार्षद या मुखिया जी के हाथों जो वैवाहिक प्रमाण पत्र बनता है उसको मान्य करे। साथ ही हम लोगों ने मांग रखा है कि मनरेगा के अंतर्गत दिव्यांगजनों को रोजगार मिले, और साथ ही उसके लिए सरकार जो है अलग से कमेटी भी गठन करे कि दिव्यांगजन को कैसे। रंजीत जी नाम होगा, वो हैंडीकैप नहीं है, फिर भी हैंडीकैप में के मदद में सबसे आगे रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, वो आए हुए हैं इस बीच। ठीक है, देख लिया उनको, ठीक है अच्छा, ये देख लिया, काफी रहते हैं, ठीक है उनको भी अभी ठीक है।